You know, this is a graph for Rolle Tisla in case of the solution containing both the components volatile and both the components, that means solute as well as solvent, is volatile. If we go through this graph from the equation Z, suppose if I am going to plot XA here, 1, XA is equal to 1, what will be the resultant value? PS will become P0B plus P0A minus P0B. P0B, P0B will get cancelled. Here only will rely only, it will be here only P0A. That is why when XA is equal to 1, at that time I am saying the vapor pressure is P0A. Similarly, when you say XB is equal to 1, at that time and vapor pressure of the solution becomes equal to P0A, because P0A and P0A gets cancelled, only remains P0B. That is why I am plotting here graph and XB is equal to 1. I am plotting here P0B. Why now I am taking P0B lower than P0A? Because P0A is more volatile as compared to P0B. That is why it is vapor pressure will be lower than as compared to P0A. After that, I am combining the vapor pressure of both the components A as well as B. It becomes PS is equal to P0A plus P0B. The graph comes like this. This is the vapor pressure versus mole fraction graph. And now I am going to explain you what is the relationship between Dalton's law of vapor pressure and Rolle's law. Determination of mole fraction in vapor phase. अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है वेपर फेज की, क्योंकि अभी तक जो हम क्योंकि रोल्टस लॉ जो है, रोल्टस लॉ, वो वहां से भी हम मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट निकालते हैं, मगर दैट इज रिलेटेड टू लिक्विड फेज. डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन को निकालने में मदद हमें करता है. मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अब हम इन दोनों लॉ को कोरिलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकाल सकते हैं. मैं फिर से वही सॉल्यूशन लूंगा जिसमें ए बी है और बी बी है, दोनों क्या है, वोलाटाइल है. एक सॉल्यूशन है तो इनके वेपर्स आएंगे, तो कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अटेन होगा. तो इक्विलिब्रियम पे लिक्विड फेज भी होता है और वेपर फेज भी होता है. दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम, बोथ फेजेस आर प्रेजेंट, और प्रेजेंट वेपर फेज एज वेल एज लिक्विड फेज. जो यहां पे जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड फेज में है, और यहां पे ये ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं जो किस फेज में है, वेपर फेज में. और जो यहां पे ए और बी का फ्रैक्शन होगा उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज, एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन लिक्विड फेज. और जो ये है, ये वेपर फेज में है, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई ए
एंड वाई बी से। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है, या जैसे हम देख रहे हैं वेपर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द वेपर वेपर्स एंड दैट टू एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट दैट टाइम द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड अ वेपर प्रेशर। मगर आपको पता है ए ज्यादा है वोलाटाइल एज कंपेयर टू बी, दैट मीन्स वेपर्स ऑफ ए विल बी मोर एज कंपेयर टू वेपर्स ऑफ बी। तो अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू रोल्टस लॉ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये अभी हमने देखा ये वाला पोर्शन। इसके बाद अगर हम अब अप्लाई करेंगे इसी सॉल्यूशन पे डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये क्या बता रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इन वेपर फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत इलाबरेट करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, सपोज पहले हम लेंगे ए का, पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, वो हमने किसे रिप्रेजेंट किए अभी मैंने बताया, क्योंकि वेपर फेज में हम उनका क्या कैसे लिखते हैं, वाई ए से, इनटू शाबाश टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी एस से, तो हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू वाई ए इनटू पी एस के बाद।